प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज आप इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के पदों में अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। देखिए, अब लाओ नसानी अब ना नसई हो, अब लाओ नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, पायो राम पायो नाम चारु चिंता मनि, उर करते न खसै हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसै हो, बरबस परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसै हो, मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। मीनिंग देख लीजिए, नसानी माने नष्ट हुई, नसई हों माने नष्ट होऊंगा, भाव माने संसार, निशा माने रात, सिरानी माने समाप्त हुई, उसे हों माने होता है बिछौना बिछाऊंगा, चारु माने सुंदर, चिंतामणि जो चिंता समाप्त कर कामनाओं की पूर्ति करती है, उड़कर हृदय रूपी हाथ से, उर माने हृदय और कर माने हाथ यानी हृदय रूपी हाथ से, खसाय हो माने गिराऊंगा, सुच माने पवित्र, रुचिर माने सुंदर, चित कंचन ही हृदय रूपी स्वर्ण को, कसाय हो माने परखूंगा, मन मधुकर मन रूपी भौरा, पन करी प्रण करके। देखिए, अब लव नसानी अब ना नसै हम। देखिए, इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम की कृपा से संसार के विषयों एवं भोगों से मुक्ति प्राप्त कर ली है और अपने विगत जीवन की निस्सारता को जान लिया है। अतः वे इस पद में अटल भक्त की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि देखिए आगे, अब लव नसानी अब ना नसई हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अब तक अपने जीवन को विषय भोगों में फंसाकर नष्ट करता रहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैं अपने जीवन को विषय भोगों में फंसाकर नष्ट करता रहा, किंतु अब मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा, किंतु अब मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, श्री राम की कृपा से मेरी संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, श्री राम की कृपा से मेरी संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है और मैं मोह तथा अज्ञान की नींद से जग गया हूं, और मैं मोह तथा अज्ञान की नींद से जग गया हूं, अब मैं मोह तथा अज्ञान की नींद में फिर नहीं सोऊंगा, अब मैं मोह तथा अज्ञान की नींद में फिर नहीं सोऊंगा, पायो नाम चारु चिंतामन उर करते न खसै हो, मैंने राम के नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, मैंने राम के नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा, अब मैं इसे अपने हृदय रूपी हाथ से गिरने नहीं दूंगा, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसै हो, मैं निश्चित रूप से भगवान राम के श्याम रूपी सुंदर तथा पवित्र कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा, मैं निश्चित रूप से भगवान राम के श्याम रूपी सुंदर तथा पवित्र कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। अर्थात जिस प्रकार कसौटी पर सोने की परीक्षा
के लिए कसा जाता है, जिस प्रकार काली कसौटी पर सोने को परीक्षा के लिए कसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भगवान राम के श्याम रूप पर चित्त को कसूंगा, उसी प्रकार मैं भी भगवान राम के श्याम रूप पर चित्त को कसूंगा। परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन निज बस हय न डसय हसय हौं। अब तक मेरी ये इंद्रियां मुझे अपने वश में करके हंसी उड़ाती थी, अब तक मेरी ये इंद्रियां मुझे अपने वश में करके मेरी हंसी उड़ाती थी, किंतु अब मैं सचेत हो गया हूँ, किंतु अब मैं सचेत हो गया हूँ और इनसे स्वतंत्र हो गया हूँ, और इनसे स्वतंत्र हो गया हूँ। आज इंद्रियां मेरे वश में हैं, आज इंद्रियां मेरे वश में हैं, मैं इनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा, मैं इनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। मन मधुकरपन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। अब तो इस मन रूपी भ्रमण को दृढ़ता के साथ, अब तो इस मन रूपी भ्रमण को दृढ़ता के साथ राम के चरण रूपी कमल में बसाऊंगा, राम के चरण रूपी कमल में बसाऊंगा। अर्थात अब मैं सच्चे हृदय से राम की भक्ति करूंगा, अर्थात अब मैं सच्चे हृदय से राम की भक्ति करूंगा। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए यहीं पर। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।